आपको समझाने के लिए इसमें 36 चैन बुन ली है। आप देखिए हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो बहुत सिंपल है, आपने फर्स्ट रो पूरी सिंगल क्रोशे से बुननी है। तो हम ग्रीन से फर्स्ट रो, सेकंड रो, दोनों रो बुनकर थर्ड रो में बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रो ग्रीन से बुन ली है। अब मैं इसमें दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करूंगी। एक चैन बुन लेंगे और पलट कर फ्रेंड्स हमने थर्ड रो और फिफ्थ रो दोनों ही, थर्ड और फोर हम दोनों ही रो व्हाइट से बुनेंगे और हमें पूरी रो सिंगल क्रोशे से ही बुननी है। तो मैं आपको बुन करके बताती हूँ फिफ्थ रो में कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टू रो ग्रीन से बुनी है और टू व्हाइट से, और फ्रेंड्स हमने टू रो अभी व्हाइट से और बुननी है। तो देखिए फोर हो गई, फिफ्थ और सिक्स, सिक्स फाइव और सिक्स, ये दोनों रो में आपको सिंगल क्रोशे से बुनकर बताती हूँ कि सेवन रो में हमें क्या करना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, मैंने फोर रो, देखिए मैंने फोर रो व्हाइट से बुन ली और टू रो मैंने ग्रीन से बुन ली है, ये सिक्स हो गई हैं। अब सेवन रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए सेवन रो हम पलट कर बुनेंगे। सेवन रो अब हम पलट के ग्रीन से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पांच, देखिए हमने पांच बुन लिया सिंगल क्रोशिए से। अब देखिए इसके नीचे चलेंगे यहाँ, तो यहाँ से पहले हम देखिए एक, दो, दो बल ले लेंगे। बल लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हम इसमें बुनते तो इसके नीचे चलिए यानी यहाँ, और यहाँ से हमने इस तरह से, इस तरह से हमने बुनना है। देखिए देखिए एक बार हो गया, दो बार हो गया और ये तीन बार हो गया। इस तरह से हम डिजाइन डालेंगे। फिर देखिए हम ये एक स्किप करके इसमें बुनेंगे सिंगल क्रोशे से इस तरह। फिर एक, एक के बाद देखिए दो, तीन, चार, पांच, पांच के बाद देखिए ये है ना फ्रेंड्स, देखिए अब हम यहाँ बुनते तो इसके नीचे चलिए यहाँ, यहाँ से उठाएंगे, इसका मतलब हम यहाँ से इस तरह दो बार आप बल डालिए और यहाँ से इस तरह, फिर आपने इसके नीचे से इस तरह एक बार, दो बार और ये तीन बार, इस तरह से बनेगा देखिए हमारा डिजाइन। फिर आपने स्किप करके यहाँ बुनना है क्योंकि ये हमारा ऊपर आज आ गई है चैन बुनने से। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच के बाद देखिए ये छोड़ के यहाँ से यहाँ बुनेंगे आप नीचे से। दो बार बल ले लीजिए और यहाँ डालिए क्रोशिया और यहाँ से इसे इस तरह से बुनेंगे। स्किप करके यहाँ से इसके नीचे वाला छोड़ना है बस। दो, तीन, चार, पांच, पांच बल, एक और दो, दो बल और ये देखिए यहाँ से
दो तीन चार पांच, फिर ए और दो, दो के बाद देखिए यहां इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इसका लुक आएगा। अब फ्रेंड्स अब हम जो बुनेंगे, अब हम ग्रीन से फिर सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे पलट करके इस तरह। तो ये वाली रो आप सिंगल क्रोशिया से बुन लीजिए। फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर बुन लिया है सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए फ्रेंड्स फिर हमने व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइन करना है और पलट करके फ्रेंड्स हम व्हाइट से बुनेंगे। अब एक चैन बुन लीजिए और एक चैन बुनने के बाद आपने फिर से फोर रो जो बुनेंगी आप, फोर रो आपने व्हाइट से ही बुननी है। तो मैं ये चारों रो बुनकर आपको बताती हूँ कि फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे से फोर रो और बुन लीजिए इसके ऊपर। ये फ्रेंड्स मैंने व्हाइट कलर से चार रो बुन ली है इसके ऊपर, जैसे मैंने ये बुनी थी। और अब देखिए हम इसके ऊपर ग्रीन से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पांच बुने थे, मैंने सिंगल क्रोशे से फाइव टाइम बुन लिया है। अब देखिए एक और दो, दो बन लेंगे। और अब देखिए इसके नीचे से जो बुना था आपने, इसके नीचे से यहाँ से हमने ले इस तरह। सिंगल क्रोशिया से फाइव टाइम बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच के बाद फ्रेंड्स देखिए एक और दो, दो बल। अब इसके नीचे से ये देखिए, इसके नीचे से निकालेंगे क्रोशिया और इसके नीचे से इस तरह से फिर देखिए। देखिए इस तरह से एक और दो, दो के बाद देखिए इसके नीचे से यहाँ से इस तरह। इस तरह से बुनेंगे। फिर देखिए हम सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे, फाइव टाइम बुनेंगे। इस तरह से हमारा देखिए डिजाइन तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारे क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।